नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको अनार की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो अनार की खेती जो है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है। अगर आप इसके मार्केट के दाम पता करेंगे तो हर महीने इसका दाम काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। अगर आपने शुरुआत में थोड़े बहुत खर्चे करके इसकी देखभाल कर ली, अगर प्लांट आपके अच्छे ग्रो कर लिए, उसके बाद आप 15 से 20 सालों तक इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको शुरुआत के समय पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी किस्में हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दे सकती हैं, इसके अच्छे उत्पादन के लिए सही मिट्टी, सही जलवायु कौन सी होनी चाहिए, पौधरोपण आप कैसे कर सकते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना आपको मेंटेन करना चाहिए, कौन कौन से खाद आपको इसमें छिड़कने पड़ेंगे और आपको इसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, तो सारी जानकारी देंगे किसान भाइयों। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और जो भी किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्रॉप के लिए सही जलवायु क्या होनी चाहिए और कौन सी मिट्टी कितना पीएच उसका लगता है। तो ये क्रॉप जो है सभी प्रकार की मिट्टी में उपज दे देता है और इस क्रॉप के लिए थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपके यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो आप बढ़िया अच्छा खासा उत्पादन आप इसका ले सकें, क्योंकि गर्मी को महीनों में जब तापमान थोड़ा अधिक रहता है तो अनार के जो दाने होते हैं काफ़ी लाल भी हो जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा आप रेतीली, बलुई और दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मिट्टी की पीएच की बात करें तो इसके लिए सामान्य पीएच चाहिए होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। अगर आपके यहाँ का मिट्टी का पीएच रहा तो आप अच्छा खासा इसका उत्पादन ले सकेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में, अगर जिस भी स्टेट में आप रहें इंडिया के, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है तो आप इसकी खेती ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप माना जाता है। बहुत ही जल्दी इसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं, आपके फलों के सड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप उस रीज़न में हैं तो अब इसकी खेती नहीं करें, तभी अच्छा है। तो अब बात करेंगे किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन से प्रजाति की बीज लानी है जो कि आप एक पेड़ से लगभग 40 केजी तक का उत्पादन ले पाएंगे। तो पहली वैरायटी है इसमें आरक्ता। ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा इल्ड देने के मामले में आती है और इस वैरायटी को विकसित किया गया है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में ये कॉलेज आता है। तो इस वैरायटी को ज़्यादा उत्पादन देने के लिए बनाया गया है। आप लगभग एक पेड़ से 35 से 40 केजी का उत्पादन ले सकते हैं। इसके जो फलों के आकार होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बीज के जो रंग होते हैं काफ़ी गहरे लाल होते हैं, काफ़ी दानेदार ये फल लगता है। तो अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको आसानी से नर्सरी वगैरह मिल जाएगी मार्केट से, तो उसके लाके आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान में जो वैरायटी है आपकी भगवा। तो भगवा इस वैरायटी का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसका जो रंग होता है भगवे कलर का होता है और ये भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा चिकने, काफ़ी बड़े आकार में होती है और इसके भी दाने काफ़ी रस भरे होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में इसमें भी दाने पाए जाते हैं। अगर इसके उत्पादन की बात करें किसान भाई, तो आप 30 केजी से लेकर 40 केजी तक अनार आप एक पेड़ से निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अनार की सबसे बेस्ट वैरायटी है आपकी मृदुला। ये वैरायटी भी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के द्वारा बनाई गई है, अनार के दो अलग अलग किस्मों को उसको संकरण करा के। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है किसान भाइयों को, इसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में दाने लगते हैं और इसके फल भी काफ़ी बड़े होते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों कि आपको पौधों के बीच में कितनी दूरी रखनी है अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो। तो अगर आप सिंपली इसकी प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो आप 5-5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं पर प्लांट के बीच में। अगर आप बागवानी के हिसाब बागवानी लगाना चाहते हैं अपने खेत में तो आप मिनिमम 3 मीटर और मैक्सिमम 5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं एक दूसरे प्लांट के बीच में। और आपको मैं बता दूं, बागवानी लगाने से जो आपकी पैदावार होती है 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई इसके अलग अलग किस्मों के बारे में। अब आपको बताने वाले हैं कि आपको इसमें उर्वरक कौन कौन से छिड़कने चाहिए। तो अलग अलग स्टेज में आपको अलग अलग प्रकार के खाद डालने पड़ेंगे। तो शुरुआत के समय पर जब इसमें पत्तियाँ वगैरह झड़ जाती हैं, अब जब आप पौधे लगाएंगे तो मैक्सिमम पत्तियाँ इसमें झड़ जाती हैं, जब 80 से 85% पत्तियाँ झड़ जाएँ तो इस समय पर किसान भाइयों आपको इसमें कुछ कार्बनिक खाद, उसके साथ साथ पोटास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा है ध्यान से इसमें देनी है। बहुत सारे किसान भाई क्या हैं, प्लांट के चारों तरफ कैनोपी बना के उसके हिसाब से इसमें खाद डालते हैं। तो उसी तो आप भी कैनोपी वगैरह बना के पेड़ के आजू बाजू थोड़े से गड्ढे बनाकर इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त आपके उर्वरक होते हैं तो पहली सिंचाई जब आप कर रहे हों उस समय के साथ आप पहली डोज दे सकते हैं और दूसरी डोज
तीन से चार सप्ताह के बाद दे देंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद के समय जब आपके पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं, उस समय पे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है 12, 61 और 00 तीन केजी प्रति एकड़ की दर से आप एक एक दिन के अंतराल पे एक महीने तक इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और जब किसान भाइयों फल आना शुरू हो जाते हैं अनार में, तो आप उस समय पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19-19-19 तीन केजी की मात्रा को लेकर आप प्रति एकड़ की दर से जहाँ भी आप प्लांटिंग किए हैं तो ड्रिप के माध्यम से आप इन सभी खादों को दे सकते हैं। और किसान भाई जब आपके पूरे प्लांट में फल वगैरह अच्छे तरीके से लग जाएं, सारे फूल्स वगैरह फल में परिवर्तित हो जाएं, तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 0-52-34 या मोनो पोटेशियम फास्फेट 1 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ की दर से एक दिन के अंतराल पर आप अपने पौधों के पास दे सकते हैं। और किसान भाइयों फल तुड़ाई के एक महीने पहले आपको इसमें कैल्शियम नाइट्रेट 5 केजी की मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप के माध्यम से 15 दिन के अंतराल पे 2 बार अपने पौधों पे दे सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों अगर आप सही तरीके से अपने पौधों को पानी देते हैं, उसके भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप अच्छे खासा उत्पादन ले सकेंगे। तो इस प्लांट के लिए कुछ ज़्यादा पानी नहीं चाहिए रहता है, उसके बावजूद भी आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर आप ड्रिप का सिस्टम लगाए हैं तो उसके हिसाब से आप पानी इसमें दे सकते हैं। तो अगर हम इस क्रॉप से दूसरे क्रॉप से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें 40-45% जो पानी की होती है बचत हो जाती है, आप 30-35% ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है किसान भाइयों इसमें, अगर आपको लंबा प्रोडक्शन लेना है, अपने प्लांट को स्वस्थ रखना है, हर साल इसमें प्रोडक्शन लेना है, तो आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर अपने प्लांट को नए शाखाएँ देनी है तो आपको फल तुड़ाई के तुरंत बाद गहरी तरीके से इसमें कटाई कर दें। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जहाँ से फल एक बार लग चुके हैं, तो उन शाखाओं को आप आसानी से वहाँ से छाँट सकते हैं ताकि वहाँ से नई शाखाएँ निकले और नए फूल वगैरह लगेंगे, तो उसी हिसाब से आप अच्छा खासा प्रोडक्शन ले पाएंगे। अगर आप इसका छटाई जो है बारिश के महीनों में कर रहे हैं तो आप उसके तुरंत बाद तेल युक्त कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही किसान भाइयों जब आप पहली तुड़ाई कर लेते हैं उस समय पे आप देखिए कौन से पौधे में अच्छा खासा फल लगा है, उसके अलावा किसमें फल नहीं लगे हैं। तो जिस पौधों में अति संक्रमण फैला हुआ है, कोई रोग वगैरह लग गया है, तो उस पौधों को आप उखाड़ कर फेंक दीजिए, उसकी जगह पे दूसरे पौधों को आप लगा सकते हैं। उस पौधों को जमीन से 2-3 इंच ऊपर से काट दीजिए। अगर उस पौधे में थोड़ा बहुत जान रहेगा तो वहाँ से नई शाखाएँ निकलने लगती हैं। और छटाई के तुरंत बाद किसान भाइयों आपको बोर्डो मिश्रण 1% का छिड़काव अपने खेत में ज़रूर से करना है। इसमें थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं किसान भाइयों, तो इसमें 3 बहार लगते हैं आपके फल, आपके पेड़ों में 3 बार फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। जनवरी फरवरी का जो महीना होता है इसमें आपको फूल देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आप जून जुलाई में फूल एक बार आप इसमें आते हैं, उसके साथ साथ सितंबर अक्टूबर में आपको दूसरा बहार देखने को मिल जाता है। हालांकि अनार की जो प्रोडक्शन है आप साल में एक ही बार ले सकते हैं, 2-3 महीना जो रहता है इसका रेस्ट पीरियड में रहता है। तो किसान भाइयों ये थी कुछ जानकारियाँ अनार की खेती के बारे में। हमने इस वीडियो में जाना है कि आपको कौन कौन से वैरायटी के बीज लानी है और आप कौन कौन से खाद इसमें छिड़क सकते हैं अलग अलग स्टेज के अनुसार। उसके साथ साथ सिंचाई प्रबंधन के बारे में हमने बात किया। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, इसमें बहुत सारे रोग कीटों का समस्या देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। उसके साथ साथ हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई अन्य क्रॉप पर वीडियो देखना है, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।